हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर के एक इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट को देखने जा रहे हैं जिसको जाने बिना आपका काम नहीं चल सकता। अगर आप इंग्लिश के एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश के अच्छे लर्नर बनना चाहते हैं, तो आपको लर्नर बनने के लिए भी इस ग्रामर को जानना बहुत ज़रूरी है। आप इन ग्रामर्स को जानने के बाद इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बोलने के लिए, लिखने के लिए, कहने के लिए हर चीज़ आपका बेहतर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस ग्रामर को नहीं जानते तो आप इंग्लिश में चाहे कितने भी ग्रामर्स पढ़ लीजिए, स्पीकिंग आपकी अच्छी नहीं हो सकती। और इस ग्रामर के बिना निश्चित रूप से आपको निकट भविष्य जब आप अंग्रेजी बोलेंगे, जब आप किसी साक्षात्कार में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो इस ग्रामर के अंतर्गत बनने वाले वाक्यों की आवश्यकता आपको निश्चित रूप से पड़ेगी। और चूंकि अगर आपकी इस ग्रामर में तैयारी नहीं है, अगर आप इस ग्रामर के बारे में नहीं जानते, तो एक छोटी सी गलती आपको रिजेक्ट करवा सकती है और निश्चित रूप से आप उस समय दुखी होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे। तो अभी समय है कि आप इस ग्रामर को अच्छे ढंग से स्टडी करें, सही ढंग से समझें। और इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। अंत तक देखेंगे तभी आपको ये वीडियो सही ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लर्नर्स हमेशा कहते हैं कि सर, इस भाग में हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इस भाग में हमको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। सारे ग्रामर्स हमने आसानी से सीख लिए, सारे ग्रामर्स को हमने पढ़ा, हर ग्रामर को हमने एक्सरसाइज किया, अभ्यास किया, उन चीजों को हमने बना लिया, लेकिन ये एकमात्र ऐसा ग्रामर है जिसको पढ़ने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी, तैयारी करने के बावजूद भी कई बार हम फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आज उसी कन्फ्यूज़न को हम लोगों को दूर करना है। अगर ये कन्फ्यूज़न आपको आता है इस ग्रामर में, तो इस ग्रामर के कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करना है, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ उस ग्रामर को, जिस ग्रामर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस ग्रामर का नाम है कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दोस्तों, कॉजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिसमें कर्ता या फिर वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, जो किसी घटना का वृत्तांत सुना रहा होता है, जो किसी घटना के बारे में बता रहा होता है, वो होता है वक्ता। और वही होता है सब्जेक्ट, क्योंकि वही उस चीज़ को बना रहा है, कर रहा है। तो दोस्तों, इस ग्रामर के अंतर्गत जो सब्जेक्ट होता है वो उस कार्य को नहीं करता जिस कार्य के बारे में वो बता रहा होता है, बल्कि उस कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति करता है। और इसी ग्रामर को जब हम कोई कार्य नहीं करते और कोई दूसरा उस कार्य को करता है, लेकिन उसको कराने वाले हम होते हैं, तो ऐसे ग्रामर को, ऐसे वाक्यों को, ऐसी क्रियाओं को कॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। कॉजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, प्रेरणात्मक का मतलब होता है कि कोई कार्य जिसको करने की प्रेरणा तो हम देते हैं, लेकिन उस कार्य को हम स्वयं नहीं करते हैं, उसको करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, कोई कार्य हम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो इसका मतलब हम उसकी प्रेरणा हुए ना। कार्य करने वाला सामने वाला तो है, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति को कार्य करवाने वाले हम हैं, हम उसकी प्रेरणा है, हमारी वजह से वो किसी कार्य को कर रहा है। तो इसीलिए इस ग्रामर को या इस तरह की क्रियाओं को जब किया जाता है, तो ऐसी क्रियाओं को करने के लिए जिस ग्रामर के भाग का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉजिटिव वर्ब्स। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम किसी कार्य को नहीं करते और कोई सामने वाला ही करेगा। हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति उस कार्य को न करे और वो हमसे उस कार्य को करा रहा है, लेकिन उसकी प्रेरणा वो है, वो जो कार्य हो रहा है उसकी प्रेरणा सामने वाला है। दोनों स्थितियों में आप समझिएगा। पहली स्थिति मैंने बताया कि कोई कार्य मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दूसरे से करा रहा हूँ। और दूसरी स्थिति मैंने बताया कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो उस कार्य को नहीं कर रहा है, वो मुझसे करा रहा है। तो मैं अगर उस व्यक्ति से कराऊंगा तो उसका कॉज हुआ मैं, मतलब उसकी प्रेरणा हुआ मैं। अगर वो किसी कार्य को नहीं करता है, वो कार्य मुझसे करा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा कॉज हुआ, मतलब वो कारण है और कारण को निपटाने वाला, उस कार्य को करने वाला मैं हूँ। तो दोनों स्थिति में दोस्तों, आप ये बात समझ जाइए कि कॉजिटिव वर्ब्स के अंतर्गत हम किसी कार्य को नहीं करते, बल्कि सामने वाले से उस कार्य को कराते हैं। अब दोस्तों, ये कॉजिटिव वर्ब्स मेनली होते कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेक और दूसरा होता है गेट। तो दोस्तों, मेक और गेट के बीच में मेजर डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, जब भी आप मेक और गेट को पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन यहीं पे होगा कि आपको मेक कहाँ पे लगाना है और गेट कहाँ पे लगाना है। मैं बच्चे को सुला रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे कर्ता कौन है? यहाँ पे मैं हूँ कर्ता स्वयं, मैं खुद किसी कार्य को कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तो एक टेंस का एक भाग आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके अंतर्गत मैंने वाक्य बना दिया कि मैं बच्चे को सुला रहा हूँ। लेकिन यहीं पर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि
बच्चे को सुलाओ, बच्चे को सुलाओ, या फिर रोहन बच्चे को सुला रहा है, या फिर गीता और बच्चे को सुला रही है। अब देखिए, पहले वाले वाक्य में मैंने बच्चे को सुलाया था, मैं बच्चे को सुला रहा हूँ, लेकिन दूसरे वाक्य में मैंने क्या कहा कि रोहन बच्चे को सुला रहा है और या फिर गीता बच्चे को सुला रही है। अब दोस्तों देखिए, सोना एक क्रिया है, सोने के लिए हम लोग बोलते हैं स्लिप, लेकिन सुलाना कैसी क्रिया है? सुलाना अपने आप में एक अलग क्रिया है। अब ये बताइए, सुलाने के लिए इंग्लिश में कोई वर्ब है क्या? आप बताइए, जैसे सोने के लिए स्लिप है, ठीक है, चलने के लिए वॉक है, वैसे ही पीने के लिए ड्रिंक है, लेकिन पिलाने के लिए कोई क्रिया है क्या? आप डिक्शनरी खोज लीजिए, पिलाने के लिए आपको कोई दूसरा शब्द नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेक या फिर गेट का इस्तेमाल करके पीने को पिलाना बनाते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको कहा सोना, स्लिप मतलब होता है सोना, तो सोने के लिए हमारे पास वर्ब है स्लिप, लेकिन सुलाने के लिए है क्या? तो मेक या फिर गेट लगा के हम लोग सुलाने की क्रिया बनाते हैं। वैसे ही दौड़ना, दौड़ने के लिए हमारे पास एक क्रिया है रन, रन मतलब दौड़ना, लेकिन दौड़ाने के लिए कोई क्रिया है क्या? दौड़ाने के लिए कोई क्रिया नहीं है, तो मेक या फिर गेट लगा के हम लोग इसको दौड़ाना बनाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे कंफ्यूजन आता है कि किन तरह के वाक्यों में हमको मेक लगाना है, किन तरह के वाक्यों में गेट लगाना है, क्योंकि यहां पे यह पहचानना बहुत जरूरी होता है कि वाक्य किस तरह का है और दोनों का मतलब होगा दौड़ाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, मेक से भी बनेगा और गेट से भी बनेगा, लेकिन किन तरह के वाक्यों में मेक को लगाना है और किन तरह के वाक्यों में गेट को लगाना है, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस होता है। अब दोस्तों देखिए, मेक और गेट के बीच में जब कभी भी कोई अंतर लाना होता है तो अंग्रेजी के अच्छे अच्छे जानकार बताते हैं, मैंने भी कहीं पर देखा था, सुना था, पढ़ा था, लोग बताते हैं कि मेक और गेट के बीच के अंतर को समझना है तो ये समझिए कि मेक में जो क्रियाएं आती है या फिर मेक में जो सेंटेंसेस आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हम बातचीत कर रहे हैं, मेक में जो सेंटेंसेस आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं, अंग्रेजी के अच्छे अच्छे जानकारों को मैंने ऐसा कहते देखा है कि मेक के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को निवेदन करता है या उसको आदेश देता है किसी कार्य को करने के लिए, मतलब कारण हम खुद है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई निवेदन करता हूं या मैं आपको कोई आदेश देता हूं, कारण मैं हूं, आपको कराने वाला मैं हूं, करने वाले आप हैं, लेकिन मेक के अंदर बताया क्या जाता है कि मेक के अंदर कोई भी अगर क्रिया होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कराए, तो उसको या तो आदेश देके कराएगा या निवेदन करके कराएगा। लेकिन गेट में बताया जाता है कि गेट में जब हम किसी कार्य को किसी व्यक्ति से कराते हैं तो उसको पैसे देके करवाते हैं, उसको पे करते हैं, पे करने के बाद उस कार्य को कराते हैं। यहाँ पे निवेदन या फिर आवेदन नहीं चलता है, यहाँ पे कोई आदेश नहीं चलता है, यहाँ पे सीधा पैसे देते हैं, पैसे देके किसी कार्य को कराते हैं। तो दोस्तों इस बात का मैं खंडन करता हूँ, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसको मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा नहीं होता कि आप मेक में किसी से निवेदन करते हैं या किसी को आदेश देते हैं और गेट में आप किसी व्यक्ति को पैसे देके उस कार्य को कराते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपका क्लियर कर दिया, ये निवेदन आवेदन या फिर पैसा वाला कोई फंडा नहीं है इधर। अब दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा में यह बताया जाता है कि मेक में दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत होती है और गेट में तीन व्यक्तियों के बीच की बातचीत होती है। यह भी मान्यता है, अंग्रेजी के जानकार यह भी बोलते हैं कि मेक में जो वाक्य बनते हैं उसमें वाक्य दो व्यक्तियों के बीच होता है और गेट में जो वाक्य होता है वो तीन व्यक्तियों के बीच होता है। तो दोस्तों ये कहना सहज है, सरल है, मैं भी मान सकता हूं इस बात को कि मेक में जो कार्य होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, लेकिन गेट में जो कार्य होता है उसमें तीन व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं, उसमें तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति भी हो सकता है अकेले, और गेट का वाक्य बन सकता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि मेक में दो व्यक्ति का होना जरूरी हो सकता है लेकिन गेट में तीन व्यक्तियों का होना जरूरी नहीं होता। तो दोस्तों अब फिर इसकी पहचान क्या है, मैंने तो दोनों बातों का खंडन कर दिया, मैंने सबसे पहले यह कहा कि निवेदन आवेदन या फिर पैसे देने वाला कोई बात नहीं है, पहला। दूसरी बात मैंने कहा कि दो व्यक्तियों का होना जरूरी हो सकता है लेकिन तीन व्यक्तियों का होना गेट में जरूरी नहीं है, तो यह बात भी मैंने खंडन कर दिया। अब देखिए तीसरी बात क्या है, इसी में आप समझेंगे मेक और गेट के बीच के अंतर को। तो आप यहां से ध्यान से सुनिएगा कि मेक और गेट में मेजर डिफरेंस यहां पे कैसे आएगा। तो दोस्तों मेक के वाक्यों में, मेक के जो वाक्य बने रहेंगे उन वाक्यों में कर्ता मतलब करने वाला और करवाने वाला मतलब कॉज, जो कॉज होता है जिसके कारण वो किसी कार्य को कर रहा है, दोनों की उपस्थिति निश्चित होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों के बारे में जिक्र होता है। जैसे
मैं आपसे कपड़े धुलवाता हूँ, ठीक है। दो मिनट के लिए सोचिएगा कि मैं आपसे कपड़े धुलवाता हूँ। अब इसमें मैं भी हूँ, मैं भी उपस्थित हूँ यहाँ पे इस वाक्य में, मेरे बारे में भी जिक्र हुआ ना, मैं जब मैंने कहा मैं तो मेरा जिक्र हुआ। अब मैंने कहा आपसे तो आपका भी जिक्र हुआ। आपका नाम लेना जरूरी नहीं है, आपका प्रोफेशन बताना जरूरी नहीं है, आप कौन हो कहाँ के हो ये बताना जरूरी नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना होगा मेक के वाक्यों में कि मेरे बारे में भी जिक्र हो और आपके बारे में भी जिक्र हो। तो दोस्तों इसमें करने वाला और करवाने वाला, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपसे कपड़े धुलवाता हूँ, तो मैं आपसे करवाने वाला हूँ मतलब कपड़े को धुलवाने वाला हूँ, उसका कारण मैं हूँ, लेकिन धोने वाला कौन है? स्वयं आप हैं। तो दोस्तों आपकी और मेरी दोनों का जिक्र हुआ यहाँ पे। लेकिन गेट के वाक्यों में मैं सिर्फ इतना कह दूंगा कि मैं कपड़े धुलवाता हूँ। देखिए पहले वाक्य में मैंने कहा था कि मैं आपसे कपड़े धुलवाता हूँ, तो मेरा जिक्र भी हुआ आपका भी जिक्र हुआ। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए कि मैं कपड़े धुलवाता हूँ, इसमें क्या मैंने आपका जिक्र किया? इसमें सिर्फ मैंने अपना जिक्र किया। तो दोस्तों लेकिन मैं तो उस कार्य को कर नहीं रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं कपड़े धुलवाता हूँ, मैं ये नहीं कहा कि मैं कपड़े धोता हूँ, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं कपड़े धुलवाता हूँ। तो जब मैं कपड़े को धुलवाता हूँ तो मैंने उसके सामने मेंशन किया क्या, उस व्यक्ति को उपस्थित किया क्या कि कौन है जो मेरे कपड़े को धोता है, मैंने उसके बारे में कोई जिक्र किया क्या? नहीं किया। तो वे वाक्य जिसमें करवाने वाले के बारे में जिक्र हो लेकिन करने वाले के बारे में जिक्र ना हो, ऐसे वाक्यों को हम लोग गेट के वाक्य करके पहचान जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है, ये सबसे बेहतर तरीका है गेट और मेक के बीच के अंतर को समझने का। अब अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि नहीं सर ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था, तो आपने जो जो भी पढ़ा होगा उन सब को मैं धीरे धीरे इस वीडियो लेक्चर में आगे कंप्लीट करता जाऊँगा, आपकी जानकारी कंप्लीट करता जाऊँगा, स्पष्ट करते जाऊँगा। और इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस ग्रामर को पढ़ने के बाद, आज के ग्रामर को पढ़ने के बाद, आपको पॉजिटिव वर्ब्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि मेक और गेट के बीच के अंतर को समझना है तो इस तरह से समझिए कि मेक के वाक्यों में मतलब मेक में जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें करने वाला और करवाने वाला दोनों का जिक्र होता है। जैसे कि मैं आपसे कपड़े धुलवाता हूं तो मेरा और आपका दोनों का जिक्र हुआ, लेकिन गेट के वाक्यों में सिर्फ करवाने वाले का जिक्र होता है, करने वाला का जिक्र नहीं होता कि वो करने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है। तो दोस्तों इस तरह से हम मेक और गेट के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि ये जो मेक और गेट है उसको हम किन तरह के वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों मेक और गेट को इस्तेमाल करने के लिए ऐसा कोई भी ग्रामर नहीं है जिस पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सारे के सारे ग्रामर्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मॉडल्स में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हम लोग इंपरेटिव में कर सकते हैं, तो कहूँगा हाँ कर सकते हैं। तो कोई भी ग्रामर हो, प्रत्येक ग्रामर में आप इस ग्रामर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बीच में इनको डाल सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों अगर हम लोग टेंस में से कुछ एग्जांपल लेना शुरू करेंगे, ठीक है, अगर टेंस से हम कुछ एग्जांपल लेना शुरू करते हैं तो टेंस का रूल क्या होगा? सबसे पहले आप देखिए कि गेट का एक अलग रूल हम लोग रखेंगे और मेक का हम एक अलग रूल रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, हम गेट का अलग रूल रखेंगे और मेक का अलग रूल रखेंगे। अब मेक और गेट दोनों के रूल क्या होंगे? तो आमतौर पर मेक का रूल हम लोग रखेंगे मेक प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, मेक प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन गेट का रूल रहेगा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों ये दोनों रूल अपने आप में अलग अलग हैं। अब इसको अगर हम लोग टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो टेंस के रूल के साथ इसको जोड़ देंगे, मॉडल्स में इस्तेमाल करेंगे तो मॉडल्स के रूल के साथ इसको जोड़ देंगे, इंपरेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो ये तो ऑलरेडी इंपरेटिव का रूल है ही जो अभी मैंने कहा, चूंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है आप स्पष्ट हैं। देखिए जब मैंने कहा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसमें सब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये इंपरेटिव का रूल है। अब अगर मैं आपको कहूंगा कि मेक प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो इसमें सब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया, मतलब ये ऑलरेडी इंपरेटिव का रूल है। तो दोस्तों अगर हम लोग टेंस में जाएंगे तो टेंस में इसी रूल को रख देंगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ध्यान रखिएगा किसके बाद रखना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इसी रूल को रख देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मैं
आपसे कपड़े धुलवा रहा हूँ। दो मिनट के लिए सोचिएगा कि मैं आपसे कपड़े धुलवा रहा हूँ। अब देखिए, ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, आप सबको मालूम है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। इसमें हमको मेक को मान लीजिए अप्लाई करना है, मेक को हम लोगों को लगाना है इस रूल के साथ में। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल में से, हेल्पिंग वर्ब को लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल में से, उसके बाद ये जो मेक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मेक प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हमको साथ में जोड़ देना है। अब रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मेक प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों, यहां पे आपने सोचा होगा जरूर कि मैं क्या चीज मिस कर रहा हूं। मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूं, दरअसल आपको बताना है मेरे को। आप ये कहेंगे कि सर यहां पे आपने वर्ब आईएनजी को मिस कर दिया, तो यहीं पे तो चीजें हैं जिसको आपको समझना है। दोस्तों होता क्या है, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई वाक्य बनाते हैं तो ये जो आईएनजी है उसको हम किसके साथ लगाते हैं, हम वर्ब के साथ लगाते हैं, तो वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब मेक को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल के साथ जोड़ेंगे, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल के साथ हमको मेक को जोड़ना हो, तो हमें आईएनजी को वर्ब में नहीं लगा करके मेक में लगाना पड़ेगा। और रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मेकिंग प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब में आईएनजी था वो किसके पास आ गया, मेक के पास आ गया। दो मिनट के लिए सोचिए, अगर इसी को हम पास्ट टेंस में बनाए, पास्ट सिंपल में। अब देखिए दोस्तों, पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब होता है क्या? उसका तो सामान्य सा रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाता है, डिड वगैरह आ जाता है, लेकिन सिंपल में आता है क्या? नहीं आता। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने आपसे अपने कपड़े धुलवाए, या मैं आपसे अपना कपड़ा धुलवाया। तो दोस्तों धुलवाया या ये कौन से टेंस में चला गया, पास्ट सिंपल में चला गया। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सब्जेक्ट के बाद मेक वाले रूल को हमको जोड़ना पड़ेगा। और मेक का रूल क्या था आप याद कीजिए, मेक प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी परिवर्तन आएगा वो मेक के अंतर्गत आएगा, मेक में आएगा। अगर आई एन जी लगना रहेगा तो मेक के साथ लगेगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने लगाया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनेगा तो मेक का बनेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा तो मेक का बनेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ आएगा तो मेक आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेक अपने आप में अपने आप को बदल लेता है सेंटेंस के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि मैंने आपसे अपने कपड़े धुलवाए, या फिर मैंने आपसे अपना कपड़ा धुलवाया, तो इस वाक्य में समझने वाली बात क्या है कि सब्जेक्ट को तो आप लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, मैं सब्जेक्ट हूं ना, ठीक है, तो आई लग गया। अब दोस्तों मेक को हम लोगों को बदलना है तो कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट सिंपल टेंस में। तो सेकंड फॉर्म जब हम लगाएंगे तो मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, मेड। तो मेक का सेकंड फॉर्म मेड हो गया। अब नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन कौन है जी, नाउन मतलब आप जानते हैं किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं, या किसी भी व्यक्ति को हम संबोधित करते हैं, तुम, आप, वह, वे, ऐसा करके, तो उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। मैं सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपसे कपड़े धुलवाया, तो मैं आई हो गया। अब मेक को मेरे को बदलना है सेकेंड फॉर्म में, तो मेड हो गया। अब आपको मैं क्या बोलूंगा, यू, यू, तो आई मेड यू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करवाया, मैं धुलवाया, मतलब साफ करवाया, तो धुलवाने के लिए मैं क्या बोलूंगा, वॉश, तो आई मेड यू वॉश। अब किसको धुलाया मैं, अपने कपड़ों को, तो माई क्लॉथ्स। तो इस तरह से सेंटेंस क्या बन गया, आई मेड यू वॉश माई क्लॉथ्स। तो दोस्तों इस तरह से मेक के अंतर्गत परिवर्तन आता रहता है।